पहला प्रश्न आया, क्या विपश्यना से मेरी पढ़ाई में फायदा होगा? मुझे पढ़ाई में एकाग्रता नहीं होगी, नहीं होती, इसीलिए विपश्यना करनी है। केवल सांस का काम करोगे, जो विपश्यना का पहला कदम है, इसी से एकाग्रता बढ़ने लगेगी और गहराइयों में जाओगे, खूब एकाग्रता बढ़ेगी, पढ़ाई में बहुत सफलता मिलेगी। मेरी कक्षा के बच्चे बहुत अशांत हैं और अनुशासनहीन है, क्या विपश्यना फायदा करेगी? बिल्कुल करेगी। जब मैं बर्मा से पहली बार यहाँ आया, 2 वर्ष के भीतर भीतर आचार्य विनोबा भावे जी से मिलना हुआ, उन्होंने कहा कि मैं नहीं समझता विपश्यना से इतना परिवर्तन हो सकता है। तो उन्होंने चैलेंज किया, 2 चैलेंज किए। एक तो ये अनुशासनहीन बच्चे हैं, इनको विपश्यना से क्या लाभ होता है मैं देखना चाहता हूँ। एक जेलों में जो हार्ड क्रिमिनल्स हैं, इनमें क्या परिवर्तन आता है मैं देखना चाहता हूँ। तो उनके जीते जी स्कूलों में इसका प्रयोग किया, उन्हीं के स्कूल में प्रयोग किया, इतने अच्छे रिजल्ट आए, बहुत प्रसन्न हुए। जेलों में प्रयोग तो उनके जाने के बाद हुए, बहुत अच्छे रिजल्ट आए। तो घबरा नहीं, रिजल्ट आते हैं इसीलिए सिखाया जाता है, अन्यथा अपना समय बर्बाद करने से कोई लाभ नहीं। मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, क्या विपश्यना से फायदा होगा? विपश्यना से मन शांत रहेगा तो देखोगे काम करने की शक्ति बढ़ गई, निर्णय अच्छा करने की शक्ति बढ़ गई। तो जो काम कर रहे हो और उसकी वजह से क्योंकि मन तुम्हारा व्याकुल रहता है तो तुम्हारे निर्णय ठीक नहीं होते, तो तुम्हारे काम ठीक नहीं होते, तुम्हें फायदा नहीं होता, इससे देखोगे मन शांत होने लगा और निर्णय ठीक होने लगे तो परिणाम अपने आप अच्छे आने लगेंगे। कैन रियली विपश्यना हेल्प टू इम्प्रूव स्टूडेंट्स इन दिस मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड? Please explain. We have to live in the materialistic world. We are not running away from the materialistic world. The country has to develop materially also, but we cannot afford to lose the spirituality of the country. And the Vipassana is the base of all spirituality. Let that arise in the country, and country will become an ideal country, both materially as well as spiritually. My daughter and son are not interested in any meditation. They are interested by modern life. You take course, and when your children find that our parents have started changing, they will get attracted. You yourself won't practice Vipassana, and you will like your children to practice. That will not help. That will not happen. Kya Vipassana se bhrashtachar khatm hoga? Khatm hota hai. Hamare Gurudev Burma mein iska prayog unhone karke dekha. Aise vibhag जिसमें सारे लोग भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार में डूबे हुए, कैसे 2-4 वर्षों में एकदम बदल गया, विपश्यना के बल पर बदल गया। और उनको 2-4 विभाग दिए गए, सरकारी अफसर से बहुत बड़े, और उन्होंने कैसा परिवर्तन लाना शुरू किया। ऐसा प्रयोग अनेक स्थानों पर जहां भी होना शुरू हुआ, राजस्थान के होम मिनिस्ट्री में हुआ तो देखते कितना बड़ा परिवर्तन आने लगा। जहां से भी ऊंचे ऊंचे ऑफिसर्स आते हैं, उनके काम करने की कैपेसिटी बढ़ती है, उनकी ईमानदारी बढ़ती है, हर तरह से देश को लाभ होता है। लाभ न हो तो इसको अपनाना कोई मायने नहीं रखता। क्या हमारे राजनेता सुधरेंगे? राजनेता विपश्यना करेंगे तो सुधरेंगे? क्यों नहीं सुधरेंगे? सबके लिए समान है, जो करे उसी को लाभ होता है। जो देश की बागडोर संभाले हुए हैं उनके लिए और ज्यादा आवश्यक है। विपश्यना से भ्रष्ट अधिकारी सुधर सकते हैं? क्या व्यापार में ईमानदारी आएगी? नहीं आएगी तो बात नहीं बनती। बिल्कुल आएगी। अब व्यापारी सारा दोष अधिकारियों को देता है, अधिकारी सारा दोष राजनेताओं को देता है। ये तीनों में सुधार आना शुरू हो जाएगा, सारे देश का कल्याण हो जाएगा, और सुधार आएगा, निश्चित रूप से आएगा, विपश्यना के बल पर आएगा। विपश्यना से मेरी पढ़ाने की क्षमता में फायदा हो सकता है क्या? इसीलिए कहते हैं हर शिक्षक को अध्यापक बनना चाहिए, हर शिक्षक को विपश्यना करनी चाहिए। देखोगे लड़का या विद्यार्थी या विद्यार्थिनी उद्यम कर रहे हैं, बड़े इनडिसिप्लिन में है, और तुम चिड़चिड़ाते हो, तुमको गुस्सा आता है, तुम मेज पर अपनी बेंच पीटते हो, कोई सुधार होने वाला नहीं है उससे, किसी बच्चे में सुधार नहीं होता। और तुम अपने मन को शांत रख करके, समता में रख करके, जब तुम उनको बदलने की कोशिश करोगे, देखो बदलने लगे और वो भी इसे स्वीकार करना शुरू कर देंगे, सारा ढांचा बदल जाएगा। How the modern day students can be improved by Vipassana? Modern day students should not be blamed.
because you have not given them anything in the name of religion. You have given them only rites, rituals, ceremonies, and they are not affected today. When they get vipassana, they will find this pure science. This is science of mind and matter interaction, and they start accepting it. I have found that the new generation is accepting it much more than the older generation. So students will accept it, are accepting it, and to certainly help them. Vipassana se rajniti mein kya fayda? Bahut bada fayda, sab niti mein fayda hi fayda. Vyapar niti mein fayda, rajniti mein fayda, shiksha niti mein fayda. Har jagah fayda hoga, kyunki man shanti nahi, nirmal hoga, to apna bhi kalyan karega, auron ka bhi kalyan karega. कोई ऐसा काम कर नहीं सीखा जिससे औरों की हानि होती हो। मेरे बच्चे शरारती हैं, इसीलिए कहते हैं विपश्यना सिखाओ, पर विपश्यना सिखाने के पहले स्वयं विपश्यना सीखो, सब बच्चों पर असर पड़ेगा। पढ़ाई के लिए फीस लेनी होती है, विपश्यना में फीस क्यों नहीं ली जाती? भारत की पुरातन परंपरा है, भारत में शिक्षा के लिए कभी फीस नहीं ली गई, और धर्म की शिक्षा, अरे उससे कोई क्या फीस देगा? कोई कीमत आती का धर्म की? अनमोल रत्न है, कोई फीस नहीं दी जाती। एक समय आएगा भारत में, और आएगा, जरूर आएगा, जबकि सारी शिक्षा निःशुल्क हो जाएगी। आज ये फीस लेने लगे तो इसका व्यापार हो गया, तो हर व्यक्ति फीस देकर के समझता है मैंने अपनी कीमत चुका दी, ना मैं पढ़ू या न पढ़ू, बात नहीं बनी। उसमें इतना अनुशासन आना चाहिए, अपने आचार्यों के प्रति इतनी श्रद्धा होनी चाहिए, इतनी कृतज्ञता का भाव होना चाहिए, सब सही धर्म पूर्वक श्रद्धा आएगी, धर्म पूर्वक शिक्षा आएगी, बड़ा कल्याण होगा। दिस इज द एज ऑफ प्ले फॉर चिल्ड्रन। इफ यू टॉक अबाउट टीच सीरियस मेडिटेशन फॉर चिल्ड्रन, इट इज नॉट अ सीरियस मेडिटेशन। व्हेन वी गिव चिल्ड्रन कोर्सेज, एवरीथिंग इज शॉट एज अ प्ले। दे टेक इट लाइक अ पिकनिक, दे आर सो हैप्पी, दे वांट अगेन एंड अगेन टू कम टू दीज कोर्सेज एंड दे गेट बेनिफिट बाय इट। सो डोंट वरी, दे आर नॉट मेकिंग देम सो सीरियस that they won't work properly. No, they will accept this technique and they will make use of this technique as a play and will become serious in their study. मैं मुस्लिम हूँ, 5 समय नमाज पढ़ता हूँ, 10 दिन के साधना में नमाज छूटेगा, मेरे धर्म के खिलाफ है? नहीं भाई, हमें नमाज से कोई विरोध नहीं है। ठीक इसी तरह जैसे हमें किसी कर्मकांड से विरोध नहीं है। हर समाज की, हर परंपरा के अपने अपने कर्मकांड होते हैं, अपने अपने तीज त्योहार होते हैं, अपने अपने पर्व उत्सव होते हैं, हम उनका विरोध नहीं करते। लेकिन 10 दिन का समय इतना थोड़ा है कि उसमें हमें मन की गहराइयों तक पहुंचना है, मन का बड़ा डीप ऑपरेशन करते करते रूट तक पहुंचना है, और बार बार बहिर्मुखी होंगे, फिर अंतर्मुखी होंगे, फिर बहिर्मुखी होंगे, फिर अंतर्मुखी होंगे, तो ऊपर ऊपर तक रह जाएंगे और गहराई तक नहीं जाएंगे। इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम आते हैं और वो खूब समझते हैं कि नमाज 10 दिन तक नहीं करने से हमने अपना धर्म नहीं छोड़ा। वो धर्म में और ज्यादा पक्के हैं, माने शुद्ध धर्म में पक्के हैं। अब उनके शरीर और वाणी से ऐसा कोई दुष्कर्म होगा नहीं जो कि औरों को हानि पहुंचा सके, यही धर्म है। विपश्यना कोर्स करने के बाद और उसके नियमित प्रयोग से क्या मेरी जन्म कुंडली में जो भविष्य का कुयोग है वो टल सकता है? अरे भाई, हम अपना भविष्य बनाने वाले हैं। भविष्य क्या होता है? वर्तमान के संतान है। अगर हमारा वर्तमान बिगाड़ रखा है तो भविष्य बिगड़ेगा ही, दुनिया की कोई शक्ति नहीं बचा सकती। और हमने वर्तमान सुधार लिया, भविष्य अपने आप सुधरेगा, हम अपने मालिक हैं। अत्ता ही अत्तनो नाथो, अत्ता ही अत्तनो गति। अपनी गति खुद बनाने वाला आदमी सदगति बनाए, दुर्गति बनाए और सारी गतियों से ऊपर निकल कर मुक्त हो जाए। क्या विपश्यना के द्वारा देश के नेताओं का स्वार्थपन सुधरेगा? सुधरेगा भाई, करेंगे तो सुधरेगा, उपदेशों से नहीं। क्या भूतकाल के कार्यों को मैं भूल जाऊंगा? बिल्कुल नहीं भूलोगे। अब जो देखोगे मन की आदत, कि जब देखो तब भूतकाल में रमण करता है, जब देखो तब भविष्य में रमण करता है, आदत छूटेगी। हमारी ऊर्जा नष्ट की जा रही है, हमको पिछली कोई बात को याद करना जरूरी नहीं है, और इसलिए फिर भी हम भूतकाल की बातें सोचे जा रहे हैं। तो जिस समय सचमुच याद करना किसी बात को, तो सिर खुजला के रह जाएंगे, नहीं याद आ रही। भविष्य की प्लानिंग अवश्य करनी है, लेकिन जब करनी होगी तब करेंगे, उसी का चिंतन करते रहे, उसी में करते रहे। वर्तमान को भूल गए तो सब कुछ भूल गए, तो वर्तमान में पांव जमा करके
पहले ऐसी अवस्था में हमने क्या गलती की थी या क्या ठीक काम किया था, आगे हमें अलकदम कैसे उठाना है, इन दोनों का चिंतन होगा। वर्तमान से छुटकारा पाकर नहीं, वर्तमान में पांव रखते हुए हम लोगों के प्रति चाहे दुर्भावना न रखें, लेकिन अगर लोग हमारे प्रति दुर्भावना रखें तो उस वक्त हमें क्या उत्तर देना चाहिए, ये उनका प्रॉब्लम है। जैसे जैसे विपचना करोगे ये बात खूब समझ में आएगी कि जैसे ही मैं अपने मन में दुर्भावना जगाता हूँ तो उसका पहला शिकार मैं होता हूँ, बड़ा व्याकुल हो जाता हूँ। कोई व्यक्ति दुर्भावना जगा रहा है तो रोगी है, बड़ा व्याकुल है, उसे व्याकुल देख के हम क्यों व्याकुल हों, हम दुर्भावना नहीं जगाएंगे। लेकिन अगर उसके उस कार्य से हमारी हानि होती है, औरों की हानि होती है, तो बलपूर्वक रोकेंगे, पर मन में दुर्भावना नहीं होगी, सद्भावना होगी। वो रोगी है और कोमल भाषा समझता नहीं, इसलिए कठोर भाषा, कटु भाषा नहीं, कठोर भाषा का प्रयोग करेंगे, कठोर व्यवहार का प्रयोग करेंगे। सांस के आने जाने का निरीक्षण करने का प्रयोग क्या एक से चौथे स्तंभ के लिए कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, कर रहे हैं और अच्छे परिणाम आ रहे हैं। आपने बताया कि कैसे अपने मन पर नियंत्रण रखें, परंतु यदि और व्यक्ति दुराचार करे तो क्या हम दर्शक बने रहे? बिल्कुल नहीं। विपचना नहीं सिखाती कि कोई आए हमें मारे और हम तो वेजिटेबल की तरह बैठे हैं, साग भाजी की तरह कोई काट गए हमें, नहीं सिखाता, धर्म नहीं है। कोई आदमी अगर गलत काम करता है और हम उसे स्वीकार करते हैं तो उसके गलत काम को हम प्रोत्साहन दे रहे हैं, वो अपनी हानि कर रहा है, औरों की हानि कर रहा है, उसमें हम प्रोत्साहन देने लगे तो उसे बड़े प्यार से समझाएंगे, नहीं समझता कठोरता से समझाएंगे और उसको रोकेंगे। ये विपचना है, यही धर्म है। विपचना का जन्मदाता कौन, उसकी तस्वीर क्यों नहीं लगाए? तस्वीर लगाने में बुरी बात नहीं होती, कोई मूर्ति रखने में बुरी बात नहीं होती, लेकिन ना समझी का करने लगे, तस्वीर लगाई है और उसे झुका करके हे अमुक देवी, हे अमुक देवता, हे अमुक बुद्ध, हे अमुक महावीर, तू मेरे ये कर देना, ये कर देना, मुझे ऐसा धन देना, मुझे पुत्र देना, तो भाई उलझ गए। लोग अपने घरों में अपने माँ बाप के चित्र रखते हैं तो क्या मांगते हैं उनसे, याद करते हैं मेरे माता पिता ऐसे थे, उनमें जो गुण थे वो गुण मुझ में आए तो मेरे माता पिता खुश होंगे। ठीक किसी प्रकार किसी देवी की, देवता की, ईश्वर की, ब्रह्म की, बुद्ध की, महावीर की, किसी की भी मूर्ति रखेंगे तो उनके गुणों को याद करेंगे। ऐसे महापुरुष हुए अपने देश में, उनमें ये सद्गुण थे, अरे ऐसे सद्गुण मुझमें भी आए, बस इस प्रेरणा के लिए रखना होता है। पिछले जन्म के कर्म संस्कार का इस जन्म के भविष्य पर क्या परिणाम होता है? होता है, कर्म संस्कार तो कर्म संस्कार, ये धारा चलती रहती है, लेकिन हम वर्तमान के मालिक हैं। जिसने वर्तमान की मलकियत हासिल कर ली उसने अपना भविष्य सुधार लिया, तो हमें पिछले दुष्कर्मों से घबराने की जरूरत नहीं है, उन सब को हम दूर कर सकते हैं वर्तमान की विपचना द्वारा। विपचना से बाह्य वातावरण का परिवर्तन हो सकता है? बिल्कुल होता है। ये जो प्रदूषण की बातें होती हैं बड़े बड़े शहरों में, ये डीजल ऑयल यूज होने लगा कि अमुक केमिकल फैक्ट्री लग गई और सारा प्रदूषण ही प्रदूषण, बुरी बात है, इसको दूर करना चाहिए। लेकिन उससे बड़ा प्रदूषण होता है जबकि लोग क्रोध जगाते हैं, द्वेष जगाते हैं, दुर्भावना जगाते हैं, सारे वातावरण को प्रदूषित कर देते हैं। उस वातावरण में जो रहेगा व्याकुल रहेगा, अशांत रहेगा, बेचैन रहेगा। और जब व्यक्ति व्यक्ति इस दूषण से दूर हो जाएगा, ऐसा दूषण नहीं जगाएगा, प्यार जगाएगा, मैत्री जगाएगा, करुणा जगाएगा, तो सारे वातावरण का ये प्रदूषण दूर हो जाएगा, बड़ा कल्याण होगा लोगों का। विपचना इस प्रदूषण को दूर करने की दवा है। अगर हमें कोई थप्पड़ मारे तो हमारी प्रतिक्रिया क्या होगी? क्या हिंसा का उत्तर अहिंसा ही हो सकती है? भीतर अहिंसा होगी। हिंसा के अर्थ नहीं समझते, हिंसा का अर्थ किसी प्राणी को मार देना ही नहीं है, हिंसा का अर्थ अपने भीतर विकार जगाने को भारत में हिंसा कहते थे। हमने अपने भीतर क्रोध जगाया तो अपने आप के प्रति हिंसा करने लगे, अपने मन के प्रति हिंसा करने लगे, ऐसे ही औरों के प्रति हिंसा करने लगे। अगर हमने वो हिंसा निकाल दी तो अपना भी कल्याण होने लगा, औरों का भी कल्याण होने लगा। कोई दूसरा व्यक्ति हिंसा करता है और वो जैसे कहा कोमल भाषा में नहीं समझता है, कठोरता का व्यवहार करके उसे रोकेंगे, ये धर्म की बात है। और धर्म जागना चाहिए, हम दुर्बल नहीं, खूब सबल होकर के धर्म का लाभ उठाएंगे।
जिन बच्चों को दो समय का खाना नसीब नहीं उनके लिए विपश्यना कहाँ तक योग्य है। जो बच्चे विपश्यना सीखने आते हैं उनको पहली बार दो वक्त का खाना दिया जाता है। भूखे भजन न होए गोपाला। भगवान बुद्ध के पास कोई आया और लोगों ने कहा महाराज बहुत व्याकुल है, इसको आप धर्म समझाइए। तो उन्होंने पूछा अरे भोजन किया? नहीं किया। कल किया था? कल भी नहीं किया था। भले भोजन कराओ इसको। अरे भोजन ही नहीं होगा तो धर्म कहाँ से सीखेगा? तो पहली बात है बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो चाहे बड़ा हो उसके लिए भोजन का प्रबंध है और सब धर्म सीखने का प्रबंध है। हाउ विपश्यना चेंजेस ह्यूमन माइंड, दैट्स व्हाट आई एक्सप्लेन नाउ। यू गो टू द डेप्थ ऑफ द माइंड एंड यू ब्रेक द बिहेवियर पैटर्न। द बिहेवियर पैटर्न ऑफ द माइंड एट द रूट लेवल keeps on generating defilement after defilement and you are miserable because of that. By this technique you break that human behavior pattern of the mind at the deep level and you find you are a changed person altogether. School में बच्चों को आनापान सिखाते हैं तो विरोध होता है कि ये तो बौद्ध की साधना है क्या करें। बौद्ध की साधना बिल्कुल नहीं। एक बात कहें कि भगवान बुद्ध ने एक व्यक्ति को बौद्ध नहीं बनाया तो उनका राष्ट्रीय हुआ। भगवान बुद्ध ने जरा भी बौद्ध धर्म नहीं सिखाया तो उनका राष्ट्रीय हुआ। पर सही बात है हमारे पास सारी बुद्धवाणी जो कि भारत से लुप्त हो गई थी और उस पर इतना बड़ा भाष्य का साहित्य, इतनी टीकाओं का साहित्य, अनुटीकाओं का साहित्य, कुछ 55,000 पृष्ठों का साहित्य जो भारत में बिल्कुल लुप्त हो गया वो सारा बर्मा देश से लाए, सीडी रोम में डाला और उस पर अनुसंधान किया तो पता लगा कि कहीं बौद्ध शब्द नहीं है, उसमें 92 लाख शब्द हैं। उन 92 लाख शब्दों में बौद्ध शब्द भगवान की शिक्षा को लेकर भी बौद्ध शब्द नहीं है, भगवान के अनुयायियों को लेकर भी बौद्ध शब्द नहीं है। उन्होंने धर्म सिखाया, सर्वत्र धर्म धर्म धम्म धम्म यही है और जो उसके अनुयायी हुए धम्मी को माने धार्मिक है, धर्मिष्ठ है, धर्मचारी है, धर्म विहारी है, धर्मानुसारी है। यही 500 शब्द मिलते हैं। 500 बरस तक कहीं बौद्ध शब्द का प्रयोग नहीं हुआ भारत में और अब अनुसंधान कर रहे हैं विदेशों में भी नहीं हुआ। ये कब चला क्यों चला मैं समझता हूँ इससे बुद्ध की शिक्षा को हानि हुई। हम उसे धर्म ही कहें तो धर्म सबका होता है, बौद्ध धर्म कहें तो केवल बौद्धों का होगा, हिंदू धर्म कहें केवल हिंदुओं का होगा, मुस्लिम धर्म कहें केवल मुस्लिम का होगा। भारत ने धर्म दिया जो सबका होता है और जैसे लोगों को यह समझ में आने लगता है सब स्वीकार करते हैं। अन्यथा इतनी बड़ी संख्या में क्रिश्चियन लोग नहीं आते अपने शिविरों में, इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम नहीं आते अपने शिविरों में, इतनी बड़ी संख्या में हर संप्रदाय के लोग नहीं आते, क्योंकि जानते हैं तो धर्म है, लॉ ऑफ नेचर है, ये तो धर्म है, वे ऑफ लाइफ है, इसमें किसी को क्या विरोध होगा। ऐसे स्कूलों में भी कोई विरोध नहीं होगा और बड़े शहर स्वीकार करेंगे लोग। विपश्यना से शिक्षण में परिवर्तन किस प्रकार होगा, इसलिए वर्ग में समय कहाँ आएगा। केवल 10 मिनट सुबह स्कूल आरंभ होते ही बच्चों को एकत्र करके 10 मिनट सांस का काम, स्कूल समाप्त होने पर 10 मिनट इकट्ठे करके सांस का काम, बस इतना ही काम है। अपने आप इससे इसका प्रभाव आना शुरू हो जाएगा, इसका लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। इफ द चाइल्ड इज वेरी स्मॉल 2 years old, how to teach anapana? No, you can't teach a child of 2 years old. First you learn, and then you will find there's another technique at the end of 10-day course. You generate vibrations of love, maitri, karuna, love, compassion, and that child, you give those vibrations of love and compassion, and you will find the child is getting benefited by those healthy vibrations, positive vibrations. When the child grows to 5 or 6 years old, you start teaching anapana. आचार्य जी आपने विपश्यना का मार्ग क्यों स्वीकार किया? क्योंकि इससे लाभ हुआ इसलिए स्वीकार किया। बहुत तरह के प्रयोग करके देखे, विकारों का पुंज था भीतर, इतना अहंकार, इतना क्रोध, इतनी ईर्ष्या, इतना द्वेष भरा पड़ा और इस मार्ग इतना व्याकुल सिखाना नहीं। बहुत तरह के प्रयोग किए, कुछ लाभ नहीं हुआ। लाभ हुआ थोड़ी देर फिर वैसा का वैसा, लाभ हुआ फिर वैसा का वैसा, और जैसे विपश्यना मिली
तो देखा इतना लाभ होने लगा क्योंकि जड़ों तक सुधार होना शुरू हो गया, इसलिए स्वीकार किया और इसीलिए लोगों को सिखा रहे हैं क्योंकि जानते हैं इससे सही लाभ होगा, जड़ों तक लाभ होगा, जीवन बदल जाएगा। खूब मंगल हो जो जो आज की धर्म सभा में आए सबका, खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब स्वस्थ मुक्ति हो।